जा ऊपर डाल के आओ और पिन लगा देना, ठीक है? खरीदनी है नहीं, इधर नहीं, ऊपर बाहर, ठीक है? हाँ, और जाली का दरवाजा बंद कर देना, ठीक है? राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो बस मैं ना नहा के बाहर बैठ के बाल सुलझा रही थी, क्योंकि ये बाल बहुत झड़ते हैं, तो वो इधर उधर पूरे में मतलब पूरे घर के अंदर वो हो जाते हैं ना, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैं ना चेयर पे बैठ के बाहर सुलझा रही थी, और बाहर वैसा वाला वो है ना टाइल्स वाले पे ना बाल जल्दी यहाँ वहाँ मतलब खिसक जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ गए आपके बाल। और बाहर वो पत्थर सा है ना वैसा, तो एक जगह टिके रहते बाल। तो मैं बाल वहीं सुलझा रही थी, और पीहू से मैंने कहा जाओ दोनों टॉवल ऊपर डालाओ। तो बस बाल वगैरह सुलझाने के बाद मैं आ गई अपना पूजा करने के लिए। तो मेरे घर में ना एक चुहिया तो पकड़ गई है, एक चुहिया अभी घूम रही है। तो बस मैं पूजा करने के लिए आ गई, तो मैंने देखा कि मैं पोछा लगाने के लिए जब आई ना, तो देखा मैंने कि जौ जौ पड़े हैं। मैं सोचा ये जौ कहाँ से आए हैं, तो मैंने ये हवन सामग्री का डिब्बा ऐसे ही रखा था, और इसी के अंदर जौ की पॉलीथीन रखी थी बंधी हुई, जो मैंने पूजा के समय मंगाई होगी। तो उसी में से ये चुहिया ने पॉलीथीन फाड़ के और निकाल निकाल के ले जाके उसको कुतर कुतर के पूरे मंदिर के पीछे डाल रखी थी। मैंने फिर पोंछे से सारा निकाला, फिर मैंने सोचा लाओ इसको आल के आल में हाथ धो के साफ करके किसी डिब्बे में भर के रख देती हूँ, नहीं तो ये पूरे ही ख़राब कर देगी जौ। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, और ये वाली वीडियो उस पर हमें लग रहा मतलब कौन सा वो होता है उस पर हो गया है, तो एकदम स्लो चल रही है। तो बस यहाँ पे पूजा हो चुकी है, बस मैंने पीहू भी ना आ चुकी, तो मैंने इसको भी बुला लिया, मैंने कहा भगवान की आरती लो। तो बस मैं इसको बता रही हूँ कि कैसे लेना है। हाँ उस और उधर भी लो, राम जी की पास में जाओ। हाँ, इधर ले ये वाली आरती, दोनों आरती ऐसे करके दोनों हाथ से लेते हैं बेटा, दोनों हाथ से। अरे दोनों हाथ से दोनों, वो भी लगाओ। हाँ ऐसे, हाँ लगाओ माथे में। अब माथा टेको, पीछे हो, अब माथा टेको। बोलो बुद्धि दो, बुद्धि दो, ज्ञान दो, ज्ञान दो। उठ जाओ, उठो, पैर छुओ, इधर पैर छुओ इसके, ऐसे चलो उठ जाओ। जय माता की, जय माता की। चलो जय माता की। तो बस पूजा मैंने कर ली है, और ये यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैंने तय लगा के रखे हुए हैं, तो इनको बस अपनी जगह पे पहुँचाना है। तो उससे पहले मैं ड्राइंग कर लो, उससे पहले मैं चढ़ाऊँगी आलू उबलने के लिए, और ये मुझे थोड़े से चावल भरने हैं डिब्बे में, ये काम मैं निपटाऊँगी। इतनी चुखरिया परेशान कर रखी है, सुनिए पहले ये कपड़े मैं रख देती हूँ उठा के। सीधा कपड़े रख के मैं किचन में आ गई, क्योंकि मुझे अभी लंच की तैयारी करनी है। तो जो भी बड़े बर्तन हैं वो मैं अंदर रख देती हूँ। इसमें मैंने हाँ उस दिन इडली बनाई थी शाम को, तो कटु भगोना बाहर ही रखा रह गया, तो बस मैंने उसको अंदर उठा के रख दिया। और उठा लिया मैंने कुकर, क्योंकि मैं जा रही हूँ आलू उबालने। और कल मैंने जो कोफ्ते की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो वो बची हुई रखी है, मतलब एक कटोरी रखी है, इतनी रखी है कि पीहू को हो जाएगी। तो बस मैं सोच रही हूँ कि मट्ठा रखा है, मतलब मट्ठा तो नहीं रखा, दही रखा है। तो बस मैं सोच रही हूँ कि दही के आलू बनाती हूँ। सारे उबाल दे रहे हैं, क्योंकि आलू तो उबले हुए ना काम में आ जाते हैं। या हम उबालने जा रहे हो तो हम लोगों की आदत भी होती है, थोड़े ज़्यादा ही से ही हम उबालते हैं, क्योंकि फ्रिज में रखे हैं आलू तो आप झटपट कुछ भी बना लो, क्योंकि आलू की उबले हुए आलू की ना कुछ रेसिपी बनी जाती है, और बच्चों को काफ़ी पसंद भी आती है। तो इसलिए मैं जब भी उबालती हूँ आलू, तो थोड़े ज़्यादा ही उबाल लेती हूँ। और अभी एक दो दिन ही हुआ है, पता नहीं मेरे घर में एकदम से इतनी सारी मक्खियाँ आ गई, कहाँ से आ गई हैं। दरवाज़ा हमेशा बंद रखती हूँ, एकदम से पैदा हो गई हैं,
पता ही नहीं चला कि क्या, मैं रोज़ फिनाइल डाल डाल के मैं सोचती हूँ भाग जाए, लेकिन वो भागती नहीं है। मतलब दरवाज़ा जो बार बार अंदर बाहर जाली वाला खुलता है ना, तो वो एक एक दो दो करके अंदर आ जाती हैं। बाहर तो चलो होती हैं, लेकिन अंदर भी आ जाती हैं। पता नहीं क्या इस मौसम में होती हैं एकदम से। अभी तक नहीं थी, 10 दिन पहले मक्खी, एक भी मक्खी नहीं थी, एकदम से आ गई हैं। अब भगवान जाने कहाँ से आ गई, क्या हुआ ऐसा। तो बस यहाँ आलू चढ़ा दिए हैं मैंने, और बस आटा भी साथ में लगा देती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ हो रही हैं मक्खियाँ, आ रही हैं कि मेरे यहाँ आ रही हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। सब्जी जो मैंने कल बनाई थी ना कोफ्ते की, वो थोड़ी रखी है, इनको हो जाएगा। इसीलिए मैंने सब्जी रखी थी ना, इसीलिए मैंने आज आलू वाले, और आलू का मैं बनाऊंगी वो दही वाले आलू। मुझे ना बड़ी टेंशन हो रही है, आज उसका पेपर है मैथ का, मैथ थोड़ी टफ तो होती है, देखो क्या होता है। आके बताएंगी सारा कैसा क्या आया है। बच्चों के पेपर सभी जगह शुरू हो गए हाफ ईयरली वाले। कोई बात नहीं, दूसरे मंगा देंगे। हाँ, हैंड वॉश करो मेरा के। हाँ, अमेज़न से ऑर्डर करी। ब्रश मार के चाहिए मुझे। ठीक है। चलिए मैं बना लेती हूँ। जो दही वाले आलू है मैं बाद में बनाऊंगी, पहले मैंने रोटी सेंक के रख ली है, क्योंकि ना इसमें जो दही वाले आलू बनते हैं इसमें मुझे थोड़ी सी ठंडी रोटी पसंद है, मतलब एकदम गरम गरम रोटी पसंद नहीं है। तो जब तक मैं बनाऊंगी तब तक रोटी काफ़ी ठंडी हो जाएंगी। और जो दही वाले आलू होते हैं ना, उनके साथ अगर आपको पूड़ी पराठा खाना है, तो दही के जो आलू होते हैं वो ठंडे हों और पराठा पूड़ी गर्म हो, तो थोड़ा टेस्ट अलग लगता है। और अगर रोटी के साथ खाना है तो रोटी ठंडी होनी चाहिए। और आप लोग बताना कि आप किस तरीके से रोटी ठंडी खाते हैं, और जो दही के आलू हैं उनके साथ के गरम खाते हैं। मैं भी आप लोगों को कंफ्यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने पहले साफ कर लिया, अब इसके बाद मैं तैयारी करूँगी सब्जी बनाने की। आलू मैंने छील लिए हैं। पता नहीं मक्खी कहाँ से आ गई, मक्खी आ जाती है ना, बड़ा गुस्सा आता रहता है। कम लगता है, ऑयल डाल दिया है। ये कढ़ाई हल्की है तो फटाफट गर्म हो जाती है, तो इसमें हींग और हरी मिर्च भी डालती है, लेकिन मैं हरी मिर्च नहीं डालती हूँ, लाल मिर्च डाल देती हूँ। इसमें हरी मिर्च में कम डालती हूँ, बहुत ज्यादा कड़वे हो जाते हैं फिर, तो फिर खाए नहीं जाते हैं। यहाँ पे हींग अच्छे से हो जाए फिर मैं डाल देती हूँ ये जीरा, थोड़ा सा और जीरा अच्छा लगता है इसमें, और बस अब डाल देती हूँ इसमें आलू। ये वाली जो मटके के आलू है ना, ये बुंदेलखंड और एमपी, हाँ वहाँ के बड़े फेमस हैं, मतलब लोग बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं। अच्छा, मतलब
बुंदेलखंड में ये मटके के आलू और पूड़ी कद्दू ये कॉम्बिनेशन है। जैसे मटके के आलू बनेंगे तो पूड़ी जरूर बनेगी और कद्दू की सब्जी भी जरूर बनेगी। और बहुत झटपट बनती है और काफी खाने में मजेदार तो बहुत लगती है। रोटी पूड़ी पराठा किसी के साथ भी खाओ बहुत अच्छी लगती है। मैं तो कई बार बना लेती हूँ, मेरे यहाँ सभी को पसंद है। और मुझे यहाँ पे मैं डाल देती हूँ धनिया, हल्दी और लाल मिर्च। अभी इसमें नमक भी डालना है। नमक डाल दो ना पता पटने का वो रहता है। जो हम मठा डालेंगे ना मठे के तो और अच्छे बनते हैं, लेकिन हम दही को मठा बनाएंगे। अच्छे से ऐसे भून देंगे। खुला है साथ में आ गए क्या? ये कौन है? चले गए बाहर है? खड़ी रहने दो, अंदर मत करिए, मक्खी मक्खी हो रही बहुत ज्यादा। भी आ गई है, सिस्टी के पेपर चल रहे हैं तो थोड़ा जल्दी स्कूल छूट जाता है। तो इसमें अब मैं डाल दूंगी थोड़ा मठे के आलू, तुम्हारे फेवरेट। अब डाल दूंगी इसमें मैं पानी। अभी इसमें मठा नहीं डालना है, पहले पानी डालेंगे। तो बस अभी मैंने पानी डाल दिया है, तो तब तक वो जब तब तक सब्जी थोड़ी सी खोलेगी, और खोलना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर ऐसे हम दही डाल देंगे तो वो फटे फटे से हो जाते हैं। बट ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ इनको मठे के आलू बोलते हैं, वैसे कहीं इनको दही के आलू बोलते हैं। ऐसे दही डाल देते हैं सीधा करके, बस अपने अपना वो है बनाने का तरीका। हमारे यहाँ थोड़ा दही को मथानी से बढ़िया से मत के मठा की तरह बना के और फिर डाला जाता है मठा। और बहुत से लोग ऐसे मसाला को थोड़ा भून के और इस ज़्यादा सा तेल वेल डाल के और फिर मतलब आलू डाल के और फिर दही डाल देते हैं, तो वो दही वाले आलू हो जाते हैं। और हमारे यहाँ इस तरीके से बनाते हैं, तो इस रेसिपी को हम लोग मठे के आलू बोलते हैं। और हमारे यहाँ जो दही की जो लस्सी बनाई जाती है ना बुंदेलखंड में, तो उसको मठा ज़्यादा बोलते हैं, छाछ और लस्सी कम बोलते हैं। मतलब हरियाणा में छाछ लस्सी ज़्यादा बोलते हैं और बुंदेलखंड में इसको मठा ज़्यादा बोलते हैं। कि तो जो भी रेसिपी बनती है, कढ़ी भी बनती है, तो हम कहेंगे कि कढ़ी मतलब मठा रखा है कढ़ी बना लेते हैं, मठा रखा है मठे के आलू बना लेते हैं। तो इस तरीके से मतलब इन रेसिपी का मठे के आलू हो गए। जैसे कढ़ी तो चलो कढ़ी है, उसका तो कोई। तो बस मठा मैंने डाल दिया है, अब इसको आपको बराबर चलाना है जब तक इसमें खोल ना आने लगे। और इसमें थोड़ी सी जो मतलब पतले ही रखने हैं आपको, ज़्यादा पतले नहीं, ठीक ठीक रखने हैं, क्योंकि हमें खूब खोलाना होता है। ऐसे नहीं कि जैसे कि एक दो खोल आ गए आप बंद कर दो, नहीं। जैसे कढ़ी में हम खूब खोलाते हैं ना कढ़ी को, जैसे कहते हैं कि जितना आप खोलाओगे कढ़ी को धीमी आँच पर उतनी ही टेस्टी बनती है कढ़ी। तो सेम मठे के आलू का भी यही प्रोसीजर है कि आप जितना इसको खोलाओगे धीमे धीमे आँच पे, पहले तो हम फुल आँच पे मतलब खोल आ जाए एक बार, इसलिए फुल रखते हैं। फिर जैसे ही इसमें खोल आने लगते हैं ना, तो फिर इसको हम धीमा कर देते हैं। और इसको चलाते इसलिए हैं ताकि ये जो हमने मठा दही डाला है वो फटे ना, क्योंकि फट जाते हैं ना तो फिर बेकार लगते हैं ये बिल्कुल, फिर तो मतलब बेकार ही हो जाती है। तो गैस को मैंने धीमा कर दिया है क्योंकि सिस्टी अब भी स्कूल से आई हैं, तो वो अपना पेपर मतलब दिखाएंगी, मैं देखूंगी। क्योंकि बच्चों को होता है ना कि मतलब जब पेपर दे के आते हैं तो वो अपने पेपर का पूरा घर में बुक्स वगैरह को नोटबुक वगैरह निकाल के देखेंगे हम कितना क्या गलत सही करके आए हैं। ये सभी बच्चों की आदत होती है, और हम लोग भी ऐसे ही किया करते थे कि स्कूल से आके पेपर दे के आते थे ना, तो तुरंत खोल खोल के देखते थे क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। तो घर में जो भी मम्मी पापा या बड़े कोई भी हैं,
साथ में वो भी मतलब देखते हैं कि मतलब हाँ दिखाओ कैसा क्या हुआ, तो उनको भी उन्हें भी लगता है कि हाँ हमें मतलब हमारे पेपर हैं, हमसे ज़्यादा हमारे मम्मी पापा को एक्साइटमेंट हो कि हाँ भाई पेपर दे के आ रहा है बच्चा, कैसा हुआ क्या हुआ। तो बस इसलिए मैं थोड़ी देर उनके पास बैठ गई, मैंने सारा पूछ लिया। तो बस यहाँ पे अब डाल दिया मैंने नमक। अब ये है ना, पूछ लो तो उनको भी तसल्ली हो जाती है, फिर वो चैन से रोटी खाती हैं। तो बस यहाँ मैं लगा देती हूँ थाली, क्योंकि सिस्टी कुछ खा के नहीं गई थी, क्योंकि पेपर हैं तो वो वैसे तो खा के जाती हैं जब स्कूल इनके चलते हैं, लेकिन पेपर के होते हैं ना तो बस थोड़ा बहुत ही, कभी दूध कॉर्नफ्लेक्स कभी दूध दलिया, ऐसी हल्की फुल्की चीज़ें खा के जाती हैं। एक बार मैंने टिफ़िन रख भी दिया था तो सारा वापस लेके आई थी, क्योंकि इनको मतलब टाइम ही नहीं मिला कि मम्मा मैं खा नहीं पाई, तो मैंने कहा फिर बेकार है ले जाना। तो यहाँ थोड़ा मैंने ऐसी वाली थाली में डाल दिए मटे के आलू, ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएँ तो खाने में थोड़ा और मतलब अच्छे लगते हैं। थोड़ा मैंने कहा ना कि मुझे ये ठंडे ही अच्छे लगते हैं, तो थोड़ा सा इनको ऐसे फैले हुए बर्तन में मैं परोसूंगी ताकि ये फ़ैन के नीचे ठंडे हो जाएं जल्दी। तो आ जाइए आप लोग भी, लंच करते हैं, और कैसे लगे आपको हमारे यहाँ के ये बुंदेलखंड के मठे के आलू, एक बार आप ज़रूर बनाइए। एक बार बनाएंगे तो सच में जब भी आपका सब्जियों से जैसे बोर हो जाते हैं ना हम सब्जियाँ खा खा के, तो ये मठे के आलू बहुत अच्छी डिश है। हमारे यहाँ उधर जब हम सब्जियाँ खा खा के बोर हो जाते हैं ना, तो एक तो बेसन की सब्जी का होता है कि बेसन की सब्जी बनाओ, कोई काफ़ी दिन हो गए हरी सब्जियाँ खा खा के बोर हो गए, और एक मठे के आलू। तो ये मठे के आलू भी हमारा वही है, हम जब बोर हो जाते हैं तो ऐसी सब्जियाँ हमें अच्छी लगती हैं और बड़ी जल्दी बनती हैं और खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो एक बार आप जरूर बनाइएगा और देखिए कैसे लगते हैं हमारे ये बुंदेलखंड के मठे के आलू, थोड़े से कोफ्ते, और ये है हमारे मठे के आलू। बहुत मस्त बने हैं, खा लो पहले पियो फिर तुम घूमी। हाँ तुम्हें कौन खिला रहा है, खा चुकी है तू, बंद कर दो।